ये है वो आइलैंड जहां से उस औरत ने डिस्ट्रेस कॉल भेजा था। गाइस, वो मैप निकालो। इस मैप के हिसाब से इस आइलैंड के नॉर्थ ईस्ट से वो सिग्नल आया। नॉर्थ ईस्ट, इस तरफ चलो। सर, सर उस औरत के हिसाब से तो कुछ लोगों की जान जा चुकी है और कुछ लोगों की जान को खतरा है। बिल्कुल सही, हमारी जान को भी तो खतरा। कोई आवाज है? सर वो देखिए। ओह नो, जल्दी कवर लो, भागो, अरे संभाल के, भागो, इधर इधर, भागो, 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 अंदर अंदर, चलो अंदर चलो, पंकज। अरे ये क्या हो रहा है? हम लोग तो आइलैंड खुद किसी को बचाने आते, हम पर हमला हो रहे। अभिजीत, ये अभिजीत और बाकी सब कहाँ रह गए? हमारे पीछे ही तो थे, जाना कहाँ गायब हो गए? लगता खुद को बचाने के चक्कर में ये लोग हमसे बिछड़ गए। चलो चलो देखते हैं। लगता काफी दूर निकल गए। वहां तो कोई नहीं दिख रहा है। एक काम करो, अभिजीत को फोन लगाओ। सर, सर उनका फोन नहीं लग रहा। फोन नहीं लग रहा? देखा फोन, सिग्नल ही नहीं है तो फोन कहां से लगेगा? पंकज, पंकज, सर प्लीज सर, चुप 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 चुप। पंकज एक मिनट, एक मिनट। लगता है हमला करने वालों को और कोई जगह नहीं मिलती है। जब भी जंगल में आते तो इधर ही मारते हैं। कुछ नहीं होगा, शांत हो जाओ। हो गया। तीर तो मुड़ गया।
घाव काफी गहरा है श्रेया, फिर आसपास नजर रखो, मैं ड्रेसिंग करता हूँ इसकी। एक जगह तो ढूंढ ले जहां से उस लड़की ने अपनी जान बचाने के लिए सिग्नल भेजा था। श्रेया जरा वो मैप निकालना। सर हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं। सर हाँ तरीके से मारा है इसे सर। लगता है इसी लड़की ने मदद के लिए सिग्नल भेजा था हमें। सर मगर इतनी सुनसान जगह पे लोग करने क्या आए थे? सर वो सर्वाइवल किट, फर्स्ट एड बॉक्स, ये बैग्स, शायद ये लोग यहाँ कैंपिंग करने आए थे। पर इस सुनसान आइलैंड पे इससे पहले कोई कैंपिंग के लिए आया तो नहीं है, कुछ और ही चक्कर लगता है। सर ये देखिए। लगता है ये लोग यहाँ पर कोई खजाने की खोज में आए और कोई मुसीबत आ गई इन पे। ये लोग ये इस जगह की खोज में निकले हैं। सर और भी कुछ है? सर
अच्छा ये तो सर्वाइवल का है। सर्वाइवल का है? डूज एंड डोंट्स, हो क्या रहा है यहाँ पे? प्लीज मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे, क्या बिगाड़ा है मेरे तुम्हारा? कौन हो तुम? मैं नहीं आऊँ। क्या क्या कर रही हो? वही कर रही हूँ जो तुम लोगों ने कहा है। फिर क्यों मार रहे हो मुझे? प्लीज मुझे छोड़ दो। हम तुम्हें मारने नहीं आए, बचाने आए। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? हाँ, तुमने ही यहाँ से सिग्नल भेजा था ना? सिग्नल? नहीं, मैंने तो नहीं भेजा। I'm sure कोई और होगा। अच्छा? कितने लोग हो तुम लोग यहाँ पे और यहाँ पे इस वीरान जंगल में कर क्या रहे हो? सर हम लोग यहाँ खुद नहीं आए, हमें यहाँ लाया गया है एक गेम शो के लिए। पर सर सबका ना एक एक करके खून हो रहा है, सर प्लीज आप हमें बचा लीजिए, वरना वो हम सबको मार देगा। गेम शो? कौन सा गेम शो है ये? सर एक रियलिटी गेम शो। उन्होंने हम दो दो लोगों की चार जोड़ी बनाई है और हम चारों जोड़ियों को ना उन्होंने एक मैप दिया है और कहा है कि इस जंगल की मुश्किलों से बचकर एक खास जगह पर पहुंचना है। वो जगह उन्होंने उस मैप पे मार्क किया हुआ है। गेम शो, कुछ नाम भी रखा क्या इस पे? जी, जो टीम उस जगह सबसे पहले पहुंचेगी उसे 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। अच्छा, तो तुम लोग निकल पड़े उस जगह को ढूंढने के लिए? जी सर। सर मेरी टीम राज के साथ थी। हम लोग 2 दिन से जंगल में घूम रहे थे, अचानक हमें बदबू आने लगी। पास जाकर देखा तो लाश इतनी सड़ी हुई। इसके अपने भी बैंड है। इसका मतलब ये भी कंटेस्टेंट था। लाश की हालत देखते लगता है कि करीब 2-3 महीने तो पुरानी होगी। साथ चलो ना, प्लीज प्लीज यहाँ से वापस चलते, मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो सर, मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी उस जगह तक पहुंच पाएगा। वो लोग हम सबको ना रास्ते में ही मार देंगे। और अगर वहां पे कोई पहुंच भी गया तो भी मार देंगे। मतलब सर 1 करोड़ का लालच देकर ये लोग सबकी जान लेने का खेल खेल रहे हैं। हाँ, इन कंटेस्टेंट्स को यहाँ पे उनका खून कर रहे हैं, उनकी फिल्म बना रहे हैं। ऐसे फिल्म को स्नफ फिल्म बोलते हैं। इसमें एक्टर्स को ढूंढ ढूंढ के मार डालते हैं। आप फिक्र मत कीजिए, कुछ नहीं होगा तुमको। वो मैप कहाँ है जो उन लोगों ने तुम्हें दिया था? यहाँ पहुँचने के लिए सर, इन कंटेस्टेंट्स को यहाँ पहुँचने से रोकना होगा। जल्द से जल्द ये जगह ढूंढनी पड़ेगी। मैप में ये जो मार्क किया गया है, ऐसे लगता है ये हमलावरों का हेडक्वार्टर्स हो और ये जैमर भी वहीं पर हो, जिससे यहाँ के सारे कम्युनिकेशन सिस्टम जैम कर दिए गए। हाँ सर, ये हो सकता है। तब तो हमारे पास एक ही रास्ता है, उन पर हमला करना पड़ेगा। उन हमलावरों के पास अग्नि बाण और तीर है सर, हम उनका मुकाबला कैसे करेंगे? हम लोग सिर्फ 3 ही है। मुकाबला लोगों की गिनती और हथियारों से नहीं होता, मुकाबला होता है हौसले से और प्लानिंग से, और वो है हमारे पास। उन्होंने जो मेरे साथ किया है ना, उसे मैं कभी भूलूंगा नहीं। एक एक से गिन के बदला लूंगा सर। ओकच तक तो कोई आ रहा है इस तरह पीछे। Thank you.
नो लाल चींटियों उठो उठो निखिल सर को पकड़ा होगा वो एक एक करके हम सबको मार देंगे सर निखिल निखिल ना बड़ा गड्ढा ये जरूर उन मिजरों की ही चाल होगी निखिल 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 आपको आवाज आ रही सर मेरी आ निखिल सर सर यहाँ बहुत अंधेरा है सर कुछ करिए सर घबराओ मत हम तुम्हें किसी भी तरह से बाहर निकाल लेंगे पंच तुम्हें एक बार फिर अंदर जाना पड़ेगा रस्सी निकालो निखिल संभाल के हैं निखिल वंश नीचे आ रहा है थोड़ी देर और ठीक हो मैं ठीक हूं ये कौन है ये लाश है बहुत बड़ा खेल रहे हैं लोग हमें इसे भी ऊपर लेके चलना पड़ेगा क्या हुआ सब ठीक है हाँ सर सब ठीक है
निखिल अपना हाथ दो। सर ऊपर खींचिए। ओके। ध्यान से। संभाल के। सर खींचिए। ध्यान से निकल। ये लाश सर विवेक है, ये हम में से एक कंटेस्टेंट था। संभाल के ठीक हो? मैं ठीक हूँ सर। सर पता नहीं आठ में से कितने जिंदा बचे हैं। कोई है? सर किसी की आवाज आ रही है। आप लोग सीआईडी से। सर हमें प्लीज बचा लीजिए, वो लोग हमें मार डालेंगे। डरो मत, कुछ नहीं होगा तुम दोनों को। तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? यहाँ एक सर्वाइवल रियलिटी शो की शूटिंग हो रही है और हमने उसमें पार्ट लिया है, लेकिन अब वो लोग सबको मार रहे हैं। वो बहुत खतरनाक लोग हैं सर, वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। सर प्लीज हमें बचा लीजिए। इतनी सस्ती नहीं होती इंसानों की जान। चलो निकालो जल्दी। सॉरी होल्ड 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 इसको पकड़ो। संभाल के, कुछ नहीं होगा। ये फोन निकल जाएगा ना जहर वाला। तो हो गया। ठीक हो जाएगा पूरे, जहर निकल चुका है।
ले जा, पानी पियो, पानी चल दे। वहां पे कोई है निखिल, पंच संभाल। ठीक तो नहीं सर, कुछ भी ठीक नहीं है सर, मुझे फिर से तीर मारा सर। वो वहीं पे क्या? हाँ। ये पूर्वी और वंश का है? पूर्वी को सीख है, वो वंश उसके साथ में है। और ये नेहा, तुम उन लोगों के जंगल से निकली कैसे? क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने देखा था तुम्हें कुछ गुंडे पकड़ के ले गए थे। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी, मैं नहीं थी वो। क्या बोल रही है, है? तुमने बताया ना कि तुम्हें गुंडे पकड़ के ले गए थे। सर नहीं, कौन हो तुम, क्या खेल खेल रही हो हमारे साथ? सर आई एम सॉरी सर। सर मैं ये सब एक मजबूरी में आके कर रही हूँ। यहाँ पे लोगों की जान पे बनाई है, ऐसी कौन सी मजबूरी है तुम्हारी? सर मेरा बॉयफ्रेंड समीर, वो भी एक कंटेस्टेंट है, लेकिन इस वक्त वो गुंडों के कब्जे में है। और उन्होंने मुझे कहा कि अगर मैं समीर को जिंदा देखना चाहती हूँ तो मुझे आप सबको ना मैप पे मार्क किए हुए डेस्टिनेशन पे पहुंचाना होगा। हम तुम्हें जाने देंगे, लेकिन तुम्हें हमारे लिए एक काम करना होगा। करोगी? क्या काम? CID को हमारे पास लेके आना होगा। बस CID? हाँ। नहीं, नहीं। ना 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 मत बोलना। तुम्हारा बॉयफ्रेंड समीर हमारे कब्जे में है। समीर? हम उसकी जान ले लेंगे, समझे? नहीं, इसलिए मैंने। कैसा मैं? सर यहाँ आप लोगों को यहाँ इस जगह लाने के लिए कहा मुझे। हो सकता है अंदर ही हो। श्रेया तुम नेहा के साथ रुको। CID से? सर सर आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो लगा था कि आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। बाकी लोग कहाँ हैं? सर मुझे कुछ नहीं पता सर, मुझे तो यहाँ बांध के चले गए सर। चलो चलो बाहर चलो यहाँ से। समीर, समीर तुम
ठीक तो? उन्होंने कुछ किया तो नहीं ना? चलो निकलो यहाँ से, बातें बाद में करना, जल्दी चलो। कहाँ जा रहे हो? मुझे लिए बगैर। कौन हो तुम? मैं ही तो हूँ इस पूरे गेम शो का करता धरता। ना ना ना, बिल्कुल नहीं। समीर, समीर ये तुम क्या कर रहे हो? चुप रहो तुम। ये CID हमारी मदद करने आए हैं। समीर बहुत अच्छा कुछ सोचा है मैंने तुम लोगों के लिए। मेरे व्यूअर्स बहुत खुश होंगे ये क्लाइमैक्स देखकर। आज सब लोग देखेंगे लाइव CID की मौत। जितने ज्यादा व्यूअर्स उतना ज्यादा पैसा। Boss. CID Thank you.
बॉस For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.